भाई लोग देखकर स्टार्ट करने वाले हो बहुत अच्छा है, मगर वार्म अप करना मत भूलना क्योंकि सेम मूवमेंट रेगुलर करने से इंजरी भी होती है। वेलकम एवरीवन टू डे 22 ऑफ डूइंग 100 पुशअप्स डेली अंटिल मोदी जी नोटिसेस। आज हम लोग जानेंगे कि फ्लोर एक्सरसाइज मेन सेक्शन में कोरियोग्राफी का क्या मतलब। जिमनास्ट को जब अपना फेस एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में करना होता है तो वह सिंपल स्टेप्स लेकर नहीं कर सकता क्योंकि उसमें जिमनास्ट को डिडक्शन मिलता है, जैसे हमने डे 21 के वीडियो में डिस्कस किया था। तो जिमनास्ट क्या करे भाई डिडक्शन बचाने के लिए? आप लोगों ने देखा होगा गर्ल्स के रूटीन में लीप जंप्स, टर्न्स, हॉप और डांसिंग होती है, उसी को कोरियोग्राफी कहते हैं। वैसे ही मेन सेक्शन में कुछ मूवमेंट किए जाते हैं जिससे लाइन चेंज, कॉर्नर चेंज या डायरेक्शन चेंज करने में यूज किया जाता है। जैसे मोस्ट कॉमन है स्टैक जंप, जो ज्यादातर सीनियर जिमनास्ट यूज करते हैं। ये तब यूज किया जाता है जब आप कॉर्नर से दूर लैंड करते। सेकेंड इज लेग लिफ्ट, इसमें जिमनास्ट को 90 डिग्री से ऊपर लेग लिफ्ट करना होता है और ये तब किया जाता है जब कॉर्नर के पास आपने लैंड किया हो। एंड थर्ड इज आप सिंपल सा हॉप करके टर्न कर सकते हैं और टर्न 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। इन सब मूवमेंट्स को कोरियोग्राफी बताया गया है। इन सब के प्रॉपर यूज से आप 0.1 से 0.5 तक डिडक्शन बचा सकते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल और बताइए क्या जिमनास्ट का डिडक्शन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।